हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आप देख सकते हो आज मैं थोड़ा सा अलग लग रहा रहूँगा बिकॉज मैंने हेयर बैंड पहना हुआ है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इट इज़ ऑल द लॉकडाउन इफेक्ट। बिकॉज जब से लॉकडाउन चालू है तब से मैंने हेयर कट नहीं किया हुआ है एंड बाल काफ़ी बढ़ गए, तो मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आई डिसाइडेड टू वेयर अ हेयर बैंड टुडे। सो नेवरतheless आज व्लॉग चालू करने से पहले एक दो चीज़ें जो मेरे को मेंशन करनी थी। जैसे जब से मैंने ये डेली व्लॉग्स चालू किया है तब से देर इज़ अ पर्सन हुज़ नेम इज़ संजय यादव। आई डोंट नो हिम पर्सनली एंड ही इज़ नॉट इवन फ्रेंड्स टू मी ऑन माई सोशल अकाउंट्स, और नीदर आई हैव हिज कॉन्टैक्ट नंबर। बट ही इज़ रिलीजियसली फॉलोइंग ऑल माई व्लॉग्स विच आई एम अपलोडिंग डेली। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ से मेरा जो डेली व्लॉग्स का जो एपिसोड है वो चालू हुआ था। संजय यादव, देखिए भाई ऑफिस कहाँ है आपका। देन अगेन संजय यादव इन द नेक्स्ट, संजय यादव भाई स्मार्ट लग रहे हो। अगेन इन द संडे वाला व्लॉग पे संजय यादव गुड मॉर्निंग। अगेन ट्राइम टाइगर में आई गेस ये वाला वीडियो उन्होंने मिस किया है, अदरवाइज ये सारे सारे वीडियोस पे उनके मैसेजेस है। कल का भी जो मैंने वीडियो डाला था उस पर भी ये मैसेजेस है, देखिए। उनके हर एक व्लॉग पे कमेंट्स है एंड लाइक करते हैं वो मेरे हर एक वीडियो, विच कीप्स मी वेरी मोटिवेटेड। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनका कमेंट आता है एवरी डे एंड लाइक आता है। सो संजय यादव जी, अगर आप ये व्लॉग भी देख रहे हो, सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स डेली एंड सपोर्टिंग मी। एंड इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड मैं बाकी सारे लोगों को भी बोलूँगा कि सिंस आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग रिसेंटली, आई मीन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करके, सो आई नीड ऑल योर सपोर्ट गाइज। सो जितना भी हो सके आप मेरे व्लॉग्स देखिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मेरे वीडियो पे अपने सजेशंस भी दे सकते हो कि वॉट यू लाइक एंड और वॉट यू डिडंट लाइक अबाउट अ पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइज़, आज मैं जो शूट है वो यहाँ से कंटिन्यू नहीं करूँगा, डायरेक्टली पाम बीच से कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज़ डेली डेली मैं अपने घर के यहाँ से निकल के ही शूट कंटिन्यू करता हूँ, तो सेम रोड दिखा दिखा के आप भी बोर हो गए होंगे। एंड दूसरा ये है कि मैं अपना आज गाड़ी में सीट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ एंड मैट्स ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम पहुंच गए हैं पाम बीच एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे। तो हमेशा की तरह मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूं दैट रॉयल एनफील्ड इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द मीटियोर 350 सीसी, जो कि एक थंडरबर्ड 350 का सक्सेसर है। तो बेसिकली मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो मीटियोर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सुपर मीटियोर प्लेटफॉर्म। एंड ये जो सुपर मीटियोर है इट वॉज अ ब्रिटिश मोटरसाइकिल विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई रॉयल एनफील्ड एंड इट वॉज बीन एक्सपोर्टेड टू द यू एस ड्यूरिंग 1952 एंड 62। येस, ये एक्चुअली में इतना पुराना इसका हिस्ट्री है मीटियोर का। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट इट वॉज बेसिकली अ पैरेलल ट्विन इंजन, 700 सीसी इंजन टू बी प्रिसाइज। इट वॉज 692 सीसी। एंड 62 के बाद में जो ये सुपर मीटियोर है ये डिसकंटिन्यू हो गया एंड उसको रिप्लेस किया था इंटरसेप्टर ने, विच वॉज अगेन यू नो अ पैरेलल ट्विन इंजन, जो अभी रॉयल एनफील्ड ने वापस इंडिया में लॉन्च किया है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। सो जो वो इंटरसेप्टर लॉन्च हुआ था आफ्टर 62, दैट वॉज अ 736 सीसी इंजन। येस, इट वॉज लाइक यू नो द सक्सेसर ऑफ द सुपर मीटियोर दैट टाइम। एंड अभी जो रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर लॉन्च किया है इंडिया में दैट इज़ बेस्ड ऑन अ स्लाइटली लेसर प्लेटफॉर्म, जो 650 सीसी में उन्होंने पैरेलल ट्विन इंजन निकाला है विथ मोर रिफाइनमेंट बेसिकली। जो पहले के बाइक्स थे ये सारे 4-speed बाइक्स थे, एयर कूल्ड। अभी जो बाइक्स है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इट इज़ लिक्विड कूल इंजन एंड इट्स अ 5-speed इंजन फॉर द थंडरबर्ड 350 एंड 6-speed फॉर द इंटरसेप्टर 650।
सो लेट्स टॉक अबाउट दी मिटियो 350cc जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ में. तो सबसे पहले तो मैं आपको उसका इमेज दिखा देता हूँ विच यू कैन सी राइट नाउ. तो टॉकिंग अबाउट दिस मिटियोर, इट इज़ 350cc सिंगल सिलेंडर इंजन अनलाइक दी सुपर मिटियोर विच वॉज अ ट्विन सिलेंडर. तो टॉकिंग अबाउट सम मेजर अपडेट्स ऑन दिस मिटियोर इज दैट कि जो ये नया इंजन होगा इट विल प्रोड्यूस मोर पावर कंपेयर्ड टू दी करंट 350cc इंजन विच रॉयल एनफील्ड इज़ यूजिंग ऑन दी क्लासिक एज वेल एज दी थंडरबर्ड. एंड एक और चीज़ ये है कि जो ये नया मीटियोर है इसका जो इंजन होगा वो प्रोबेबली 6-speed होगा जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जावा मोटरसाइकिल्स. एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपडेट स्पेशली रॉयल एनफील्ड में जो 350cc सेगमेंट है उसमें 6-speed का सब वेट कर रहे होंगे आई बिलीव जितने भी रॉयल एनफील्ड फैंस हैं, क्योंकि जब भी हम उसको थोड़ा हाईवे पे चलाते हैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो 6-speed अगर होगा तो आपको काफ़ी रिफाइनमेंट मिलता है आपको टॉप स्पीड में, मतलब आप हायर गियर पे चला सकते हो एंड द बाइक विल नॉट वाइब्रेट एज मच. तो ये सारे प्लस पॉइंट्स है मिटियोर में. तो अभी के लिए तो बस इतना ही एंड अभी बस पहुंचने वाला हूं मैं एट द कार शॉप जहां पे से मैं ये सीट कवर्स चेंज करने वाला हूं. सो स्टे ट्यून. अभी मैं पहुँच गया हूँ सेक्टर 17 और सीट कवर्स भी हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है. तो अभी गाड़ी में जो बैग रखा हुआ है वो कलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं हैंड ओवर कर देता हूँ गाड़ी. तो ये है वो शॉप. तो अभी ये लोग सीट जो है वो पूरा डिसमेंटल करके अपने शॉप के यहाँ लेके जाएंगे एंड देन उसके ऊपर प्रॉपरली फिट करेंगे सीट कवर.
तो चलते हैं। तो गाड़ी का सीट कवर भी लग चुका है, मैट्स भी लग चुके हैं, आपको मैंने दिखा दिया है वीडियो पे। बेसिकली मुझे और भी दो तीन काम करने थे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड आगे का काम बाद में। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक नेविगेशन यहाँ पे टच स्क्रीन लगवाना था, बिकॉज मेरे मॉडल में वो आया नहीं। दिस इज़ बेसिकली दी टॉप मॉडल एक्जी का, 2018 में यही टॉप था, लेकिन नेक्स्ट ईयर टाटा डियागो ने एक्जी प्लस भी लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने टच स्क्रीन दिया था, जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह सब कुछ था। इसमें सिर्फ रिवर्स पार्किंग असिस्ट कैमराज नहीं है। तो आई वॉन्टेड टू इंस्टॉल इट नाउ, बट सिंस 2 साल का गाड़ी का वारंटी है तो मुझे इलेक्ट्रिकली कुछ छेड़खानी नहीं करना था। एंड जून में सर्विस ड्यू था, जैसे मैंने कुछ लॉग्स पहले बताया था, बट सिंस द सर्विस सेंटर्स आर ऑल क्लोज नाउ, तो मैं ये गाड़ी दिखा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वंस दिस सर्विस इज डन उसके बाद में मेरा वारंटी भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में आई कैन आफ्टर मानसून आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल अ टच स्क्रीन एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड तो मुझे नेविगेशन में भी हेल्प मिल जाएगा एंड पार्किंग के लिए भी रिवर्स कैमरा होगा तो बहुत ही बेटर होगा। तो द स्टोर इज रियली गुड, स्टोर का नाम कुछ जी के मोटर्स है, मैंने दिखाया था आपको। एंड आई मेट द गाय कॉल्ड, हिज नेम वॉज प्रतीक एंड ही वॉज रियली हम्बल गाय एंड काफ़ी नेगोशिएशन भी, आई मीन ये में वेरी गुड प्राइस ऑल्सो, ये टोटल पूरा मुझे 5900 में पड़ा, सो इट वॉज अ वेरी गुड डील। एक बार मैं घर पहुँच जाऊँगा तो आपको मैं फोटोज भी क्लिक करके वीडियो पर डाल दूँगा। एंड घर पहुँचता है फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर लेंस कैसे। तो फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ घर पे एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज का दिन, सुबह में कुछ काम था, उसके बाद में फिर ये गाड़ी का सीट कवर एंड मैटिंग एंड ऑल। अभी जस्ट घर पे पहुँचा हूँ एंड काफ़ी टाइम से ये चीज़ पेंडिंग था, तो 2 साल से पेंडिंग था ये सीट कवर्स, तो फाइनली लगवा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग एंड करता हूँ, एडिट करके अपलोड करते करते आज रात हो जाएगी। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में।